हेलो क्यूटीज, आज हम बात करने वाले हैं रिबॉर्न विच के एपिसोड 2 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है यून, वो जब गाड़ी से उतरता है तो वो सारी सुन यांग फैमिली को देख रहा होता है और उसको यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं कहाँ पे आ चुका हूँ। और तब उसको पता चलता है कि ये ईयर 1987 है और वो सुन यांग ग्रुप के फोर्थ सन का सबसे छोटा बेटा है। फिर दिखाते हैं डोजुन की फैमिली अपने ग्रैंडपा के घर पे जा रही होती है। डोजुन की मॉम उससे कहती है कि वहाँ पर संभल के रहना और दोनों अच्छे से बिहेव करना। यूनवो को तो वैसे उस घर के बारे में सब कुछ पता था क्योंकि उसने चेयरमैन जिन यांग की पूरी बायोग्राफी पढ़ रखी थी। बट उस घर में पहुँचते ही डोजुन की मॉम काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी, काफ़ी ज़्यादा टेंस थी क्योंकि उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था कि एक हीरोइन हमारे घर की बहू कैसे बन सकती है। डोजुन की मॉम अपनी सास से बात करने की भी कोशिश करती है बट वो भी उसको नहीं देती। और घर की दोनों बहुएं भी उससे कोई बात नहीं करते कि एक हीरोइन को तो स्टेज पे ही रहना अच्छा लगता है, हमारे घर में ये क्या कर रही है। बस वो अपनी सास की चमचागिरी करती रहती हैं क्योंकि सब प्रॉपर्टी का ही मामला है, सबको वेल्दी होना है। और फिर वहाँ पे जिन यांग की बेटी भी आ जाती है जो डोजुन की आंट है, और वो भी इतनी खतरनाक सी दिखाई गई है। वो भी डोजुन की मॉम से ढंग से बात नहीं करती और ना ही अपनी उन दो अलग भाभियों से भी ढंग से बात करती है, और डोजुन ये सब कुछ देख रहा था तो उसको यकीन होता है कि ये सारी बातें तो वही हो रही हैं जो मुझे पता है। जिन यांग चियोल एक बहुत ज़्यादा खतरनाक बिजनेसमैन दिखाया गया है जो अपना प्रॉफिट हर हाल में चाहता है। वो अपने बेटे को भी डांटता है क्योंकि उसका बेटा कह रहा होता है कि डैड और किसी बात की तो टेंशन ही नहीं है क्योंकि कोरिया के अंदर तो हमारी कंपनी नंबर वन ही है। पर जिन यांग कहता है कि यहाँ पे कोई नेशनल कंपटीशन चल रहा है, बस तुम्हें अपनी कंट्री की ही पड़ी है। आज जिन यांग का 60th बर्थडे था और इसी वजह से घर में पार्टी हो रही थी, इसीलिए डोजुन की फैमिली भी यहाँ पे आई हुई थी। बट जिन यांग अपने चौथे बेटे यून की को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। वो कह देता है मुझे ऐसे बेटे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब यून की अब घर से चला गया था, उसने घर से एक पेन ही नहीं ली थी और ना ही उनकी पसंद से शादी की थी, और अब उसने एक एंटरटेनमेंट कंपनी भी खोल रही थी। जिन यांग कहता है कि तुम्हारी कंपनी से अगर हमारे सुन यांग कंपनी को कुछ प्रॉफिट होता है तो बात है, मगर उसे कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है तो हमें तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं है। और वो उसे भी इग्नोर कर देता है, उसकी वाइफ को भी इग्नोर कर देता है और अपने दोनों ग्रैंडसन्स को भी इग्नोर कर देता है। फिर दिखाते हैं डोजुन सुन यांग फैमिली का पोर्ट्रेट देखता है और वो याद करता है कि मैंने सुन यांग फैमिली के बारे में सब कुछ पढ़ रखा है, मुझे पता है कि किसके कितने बच्चे थे, मैंने इनकी पूरी बायोग्राफी तक पढ़ रखी है, बट ये डोजुन नाम का कौन था, इसके बारे में मुझे कुछ पता क्यों नहीं चल रहा है। और वो जब ज़्यादा ही इसके बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था तो उसके सिर में भी दर्द होने लगता है। फिर दिखाते हैं चेयरमैन जिन यांग से मिलने के लिए ब्लू हाउस से एक असिस्टेंट आता है और वो ये बताता है कि प्रेसिडेंट आपका सपोर्ट चाहते हैं क्योंकि अब कोरिया में इलेक्शन होने वाले थे। तभी दिखाते हैं डोजुन एक रूम में चला जाता है और वो वहाँ पर देखता है कि सियोंगजिन एक सामान चुरा के अपनी जेब में रख रहा है। सियोंगजिन ने तब तक डोजुन को नहीं देखा था और जैसे ही वो डोजुन को देखता है हड़बड़ाहट में उससे एक बहुत महंगा पॉट टूट जाता है। वो काफ़ी महंगा पॉट था और ऊपर से उनके ग्रैंडपा का काफ़ी ज़्यादा फेवरेट था। इस वजह से सियोंगजुन थोड़ा डर जाता है और वो डोजुन से कह देता है कि यहाँ पर किसी ने देखा तो है नहीं कि टूटा किससे है, मैं कह दूंगा ये तू नहीं तोड़ा है और तेरी बात पे तो कोई भरोसा ही नहीं करेगा अगर तू मना भी करेगा, क्योंकि मैं इस पूरी फैमिली का फर्स्ट ग्रैंडसन हूँ, नेक्स्ट हायर मैं ही होने वाला हूँ तो सब मेरी ही बात पर भरोसा करेंगे। और फिर दोनों में फाइट हो जाती है, तभी उनके फैमिली मेम्बर्स भी वहाँ पे आ गए थे। सियोंगजुन सारा इल्ज़ाम डोजुन पे लगा देता है कि इसने मैंने देखा इसने यहाँ पे ये पॉट तोड़ दिया, पर डोजुन कह देता है कि मैंने कुछ नहीं तोड़ा है, सब इसने ही किया और ये झूठ बोल रहा है। सियोंगजुन की मॉम भी कहने लगती है कि तुम मेरे बेटे को झूठा बना रहे हो, मेरे बेटे को तुम्हें पता भी है मेरा बेटा कौन है। तभी डोजुन सियोंगजुन की पॉकेट में से वो सामान निकाल के दिखा देता है जो उसने चुराया था और कहता है कि ये यहाँ पे चुरा रहा था और जब मैंने देखा तो इसने वो पॉट तोड़ दिया और इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। इस चक्कर में फिर से दोनों फाइट होने लगती है, बट तभी उनके ग्रैंडपा वहाँ पे आ जाते हैं और फिर डोजुन याद करता है कि पास्ट में भी तो ऐसे ही हुआ था क्योंकि उसने बायोग्राफी पढ़ी हुई थी, उसमें ये था कि 60th बर्थडे पर सियोंगजुन ने अपने ग्रैंडपा का फेवरेट सामान तोड़ दिया था और उसके बाद से फिर उसने अपने इमोशंस कभी शो नहीं किए और एक अच्छा बिजनेसमैन बनने की कोशिश की। तो अब भी ग्रैंडपा सियोंगजुन को डांटते नहीं है बल्कि उसको समझाते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तूने ये तोड़ दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम इस बात से है कि तुम्हें अपने इमोशन नहीं दिखाने हैं बाहर। तुम्हारे एक इमोशन से पता है कितनी सारी फैमिलियों के घर बर्बाद हो सकते हैं। और इस बात को देख के डोजुन को रियलाइज़ होता है कि सारी घटना तो वही है जो उन्होंने उस बुक में लिखी हुई थी, यानी कि जो मैंने सब कुछ पढ़ा था वो सच था। और फिर वो वहाँ से भागता है, अपने घर के लिए जाता है कि उसके मॉम डैड कैसे हैं, उसका छोटा भाई कैसा है। जब वो
वहाँ पर पहुँचता है, वो देखता है कि उसकी मॉम जिंदा है, उसका भाई अभी बहुत छोटा है और उसके डैड भी हैं, और तीनों की बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली है। वो वहाँ पर जाके लंच करता है, और जब वो पहली बार अपने मॉम का बनाया हुआ फूड टेस्ट करता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगता है। और तभी उसके वहाँ पे मॉम भी आ जाती हैं, क्योंकि डोजुन के पेरेंट्स भी परेशान हो गए थे, वो वहाँ से ऐसे ही भाग गया था कि बच्चा कहाँ पे चला गया, बट फिर उनको डोजुन का पता चल जाता है और डोजुन को वो लेके जा रहे होते हैं, तो कार में डोजुन बहुत रोने लगता है कि अच्छा है कि मेरी मॉम अभी तक जिंदा ही है। फिर दिखाते हैं डोजुन फैमिली एल्बम देख रहा होता है और उसमें अपने बचपन के फ़ोटो देख रहा था। फिर जब वो वहाँ से उस रेस्टोरेंट से उसको लेके आए थे तो उसने देखा था कि एक लड़का भाग के गया है और फिर वो चारों की एक हैप्पी फैमिली हो चुकी है। तो डोजुन सोच में पड़ गया था कि मेरे साथ हुआ क्या है, मैं सिंपली टाइम में पीछे चला गया हूँ या मैं रीइनकार्नेटेड हो गया हूँ, मेरे साथ हुआ क्या है। उसके दिमाग में यही सारे क्वेश्चन चल रहे थे, तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है। वो उससे कहती है कि मुझे पता है बेटा तुम्हें कैसा फील हो रहा है, कि तुम्हें लग रहा है कि तुम यहाँ पर बिलोंग नहीं करते, ये तुम कहाँ आ गए, क्या हो रहा है, बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही है। डोजुन अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आपको कैसे पता चला ये सब कुछ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। डोजुन की मॉम कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मुझे भी ये सारी चीज़ें फील होती हैं। जब मैंने तुम्हारे डैड से शादी की उसके बाद मुझे बहुत रिग्रेट हुआ, क्योंकि मैंने ये सब क्यों कर लिया, मैंने शादी क्यों कर ली, क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, कोई मुझसे ढंग से बात नहीं करता था, बट अब धीरे धीरे टाइम के साथ सब चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, मैंने सबको एक्सेप्ट करना सीख लिया है सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे भाई की वजह से, तो तुम्हें भी तुम्हारा रीज़न मिल ही जाएगा, फिर तुम सब कुछ एक्सेप्ट करने लगोगे। नेक्स्ट डे दिखाते हैं चेयरमैन जिनयांग को पता चलता है कि उनका सेमीकंडक्टर बिजनेस बहुत बेकार जा रहा है, क्योंकि US और जापान के बीच में फाइट चल रही है और इस बीच में फंस रहा है उनका कोरिया। तो उसके बेटे यही कह रहे थे कि पापा हमें इस बिज़नेस को यहीं पर छोड़ना होगा, इससे हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हम दो वेल के बीच में एक छोटे से श्रिम्प बन के रह गए हैं। और क्या इस सेमीकंडक्टर बिजनेस से थोड़ा पैसा वैसा भी आने वाला है, ये तो मुझे घाटे का सौदा ही लग रहा है। तभी वहाँ पे डोजुन आ जाता है, वो अपनी ग्रैंड माँ और अपनी आंट से माफ़ी मांगता है और कहता है कल के लिए सॉरी, और वो कहता है कि मुझे ग्रैंडपा से मिलना है, मुझे उनसे सॉरी बोलना है। फिर दिखाते हैं डोजुन वेट करने लगता है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तभी अंदर चल रहा था चेयरमैन जिनयांग के साथ, उनके बच्चे बैठे हुए थे, मिस्टर ली बैठे थे और वो सब बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पे जिनयांग की बेटी भी आ जाती है और वो कहती है कि हमें इस इलेक्शन में रो टेवू के साथ नहीं जाना है, मैंने सुना कल वो आपसे इस बारे में बात करने के लिए आए भी थे, क्योंकि रो टेवू तो ये इलेक्शन हार ही जाएगा, तो इसलिए हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि जो दो और कैंडिडेट हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बात ये भी चल रही है कि वो दोनों हाथ मिलाने वाले हैं और फिर वो सिंगल कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, तो हम उन दो पार्टी के साथ जा सकते हैं, उनसे हमें ज्यादा फायदा होगा। फिर चेयरमैन जिनयांग अपने सारे बच्चों को वहां से भेज देते हैं, जब वो सब बाहर निकलते हैं वो देखते हैं कि डोजुन वहीं पे था। मिस्टर ली जिनयांग को बताते हैं कि आपका ग्रैंडसन आपसे मिलना चाहता है, बट चेयरमैन जिन मना कर देते हैं कि मुझे किसी से नहीं मिलना। मिस्टर ली डोजुन से यही कह रहे थे कि वो फिर किसी और दिन मिल लेंगे, तभी डोजुन उनसे कह देता है कि आप मेरे ग्रैंडपा से सिर्फ इतना कह दीजिएगा कि कल जो मुझसे पॉट टूट गया था उसके मैं उनको पैसे चुकाने के लिए आया हूँ। और अंदर उसके ग्रैंडपा सारी बातें सुन ही रहे थे। डोजुन ये कह देता है कि मुझे पता है कि उसका प्राइस कितना है, $5 million, इतने ही रुपए लगेंगे तुम्हें एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को फंड करने के लिए, और मेरे ग्रैंडपा से ये भी कह देना कि इस बार का प्रेसिडेंट रो टे वू ही बनेगा। जिसकी बात सुन के उसके सबसे बड़े अंकल भड़क जाते हैं कि छोटा बच्चा कैसी कैसी बातें कर रहा है। तो डोजुन की आंट उनको समझाती हैं कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, ये तो एक छोटा बच्चा ही है, और वैसे भी टेवू तो प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता क्योंकि वो दोनों पार्टी से मिलकर सिंगल कैंडिडेट को खड़ा करने वाली है, तो इसकी बातों को तुम टेंशन मत लो। बट डोजुन कह देता है कि किसने कहा कि वो दोनों पार्टी एक सिंगल कैंडिडेट को खड़ा करेंगी, मुझे तो नहीं लगता कि वो दोनों इस एग्रीमेंट पे पहुंच जाएंगी। और फिर डोजुन वहां से चला जाता है। उसके बाद दिखाते हैं, तभी वो लोग देखते हैं न्यूज़ चैनल पर चल रहा होता है कि दोनों पार्टी किसी भी एग्रीमेंट पर नहीं आई है और अब दोनों पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा कर दिया है इलेक्शन के लिए। डोजुन जा ही रहा था कि मिस्टर ली उसको लेने के लिए आ जाते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें बुला रहे हैं। फिर डोजुन अपने ग्रैंडपा से बात करता है और उनको बताता है, ये गैस करना तो बहुत ही इजी है, जैसे मेरी क्लास में होता है कि तीन लोग मॉनिटर बनने के लिए खड़े होते हैं, टॉप टू कैंडिडेट्स वो होते हैं जो उनको पूरा विश्वास होता है कि वो मॉनिटर बन ही जाएंगे, जो तीसरा होता है वही सबसे ज़्यादा वीक हुआ करता है, पर जो टॉप के दो होते हैं
वो दोनों चाहते हैं कि वो दोनों जीत सकते हैं, इसीलिए वो दूसरे की कमियां निकालने में लग जाते हैं और फिर दोनों ही एक दूसरे को गिरा देते हैं और इस बीच में जो तीसरा होता है वो बच जाता है और वही विनर बन जाता है। तो अगर इस टाइम आप रो के वो को फंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, वो आपको बहुत मानेगा क्योंकि वो अभी तीसरे नंबर पर है, मगर अगर आप वेट करोगे और जब वो फर्स्ट नंबर वाला बन जाएगा और तब आप उसको फंड करोगे तब वो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं समझेगा क्योंकि तब तक तो फर्स्ट नंबर वाला बन चुका होगा, तो ये टाइम ज़्यादा अच्छा है। फिर डोजुन वहाँ से जाते जाते अपने ग्रैंडपा से कह देता है कि मुझे लगता है अब मैंने उस पोर्ट को तोड़ने के लिए वो कर्जा चुका दिया है। तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्विज़ तो तुम खेलते होगे ना स्कूल में, उसी टाइप से एक क्वेश्चन है। डोजुन कह देता है कि अगर आप क्विज़ पूछ रहे हो तो फिर कुछ ना कुछ मुझे इनाम भी मिलना चाहिए। ग्रैंडपा भी हंसने लगते हैं और कहते हैं मुझे भी ऐसे अच्छा नहीं लगता है किसी को कोई फ्री में काम कराना, इनाम भी मिलेगा। फिर वो उससे कहते हैं जैसे तुमने अभी बताया कि इन दो की लड़ाई में तीसरा जीत जाएगा, मगर अगर ऐसा हो दो वेल लड़ रही हों और बीच में एक श्रिम्प फंस जाए तो ऐसा क्या हो सकता है कि जिससे वो श्रिम्प उन दोनों को हरा सके, श्रिम्प उन दोनों वेल से कैसे जीत सकता है। इस क्वेश्चन को सुन के डोजुन को कोई आंसर पता नहीं था तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसके ग्रैंडपा भी सोचने लगते हैं कि हाँ एक छोटा बच्चा ही तो है, इसे क्या पता होगा। फिर दिखाते हैं चेयरमैन जिनी यांग मिस्टर ली से बात कर रहे होते हैं। मिस्टर ली भी उनको यही समझा रहे थे कि आप सेमीकंडक्टर बिजनेस को अभी छोड़ दो, पहले इलेक्शन पे ध्यान दे लो और फिर हम आगे बिजनेस के बारे में कुछ सोच लेंगे। बट चेयरमैन जिनी यांग कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता है सेमीकंडक्टर बिजनेस ही हमारा फ्यूचर होने वाला है, अब हमें टेक्नोलॉजी की साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, यही हमारा फ्यूचर होगा। जो मैं सोच रहा हूँ पता नहीं तुम लोग सब सोच क्यों नहीं पा रहे हो, मेरी जैसे थिंकिंग क्यों नहीं है तुम सबकी। फिर दिखाते हैं चेयरमैन जिनी यांग बहुत सारी मनी भेज देते हैं रोते वू के कैंपेन के लिए और फिर रोते वू की कैंपेन चलती है। एक दिन दिखाते हैं डोजुन न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और तभी वो एक न्यूज़ देखता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि सेमीकंडक्टर बिजनेस की वजह से साउथ कोरिया फंस रहा है जापान और यूएस के बीच में। तब उसको समझ आता है कि उसके ग्रैंडपा उस दिन क्या बात कर रहे थे, उसे उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। वो अपने ग्रैंडपा से कनेक्ट करना चाहता है बट बात नहीं होती। फिर वो अपनी दादी से पूछता है तो पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा बगदाद गए हुए हैं और वो अपनी दादी से उनकी फ़्लाइट नंबर भी ले लेता है। फिर उस बारे में वो सोच ही रहा होता है कि उसको याद आता है कि इस दिन इस डेट में और इस फ्लाइट का तो एक्सीडेंट हो गया था, सारे पैसेंजर्स मिसिंग पाए गए थे, कोई भी जिंदा नहीं बचा था। और वो सब हिसाब लगा लेता है कि सिर्फ 3 घंटे हैं उसके पास अपने ग्रैंडपा को बचाने के लिए। पहले तो वो एयरलाइंस में कॉल करके बता देता है कि एक बम फटने वाला है उस वाली फ़्लाइट में, उसको आप कैंसिल कर दो, बट उसकी बात वहाँ पर कोई सुनता नहीं है, कोई समझता नहीं है, फ़ोन कट जाता है। फिर डोजुन परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे। फिर वो भाग के अपनी ग्रैंडमा के पास जाता है बारिश में भीगते भीगते और कहता है कि प्लीज़ मुझे ग्रैंडपा से बात करनी है। और फिर वो उनको फ़ोन करता है बट बात तो उनसे ऐसी होती नहीं है, वो मैसेज लिखवा देता है जिसमें उसने कहा था कि ग्रैंडपा मुझे आपकी उस क्विज़ का आंसर मिल चुका है और आप एक बार मेरा मैसेज पढ़ लोगे तो आप अपनी फ्लाइट को ज़रूर चेंज कर दो। जब चेयरमैन जिनी यांग वहाँ पे पहुँचते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए तभी उनको वो मैसेज मिलना था, बट वो पेपर मिसिंग हो गया था जिस पे डोजुन ने अपना सारा मैसेज लिखवाया था। वो आदमी ढूंढ रहा था बट उसको कहीं वो पेपर ही नहीं मिल रहा था। फिर फ्लाइट में दिखाते हैं डोजुन के ग्रैंडपा बैठे होते हैं। फिर दिखाते हैं डोजुन ने घर पे टीवी चला रखा था। थोड़ी देर बाद उनको एक फ़ोन कॉल आता है, सब लोग अपने दादाजी के घर भागते हैं और वहाँ पे उनको पता चलता है कि वो उसी फ्लाइट से वापस आ रहे थे जो कि अब गायब हो चुकी है और वो अब मर चुके हैं। तो सब इस बात को सुन के रोने लगते हैं और तभी वहाँ पे आ जाते हैं डोजुन के ग्रैंडपा। चेयरमैन जिनी कहते हैं कि कैसा माहौल बना रखा है, कोई मर गया है क्या, मैं जिंदा हूँ और आ गया हूँ, मुझसे ज़्यादा हालत बुरी तो तुम्हारी दादी की लग रही है, इसको संभालो ज़रा कोई। फिर ग्रैंडपा तो ऊपर चले जाते हैं और मिस्टर ली सबसे कहते हैं कि बिजनेस प्लान में थोड़े से चेंजेस हो गए थे इसलिए अबू धाबी से हमने दूसरी फ्लाइट ले ली और इस वजह से चेयरमैन उस फ्लाइट में नहीं जा पाए और बच गए। और वो ये सब कुछ देख के डोजुन की साइड को ही कह रहे होते हैं। फिर चेयरमैन जिनी यांग अपने बच्चों को बताते हैं कि उन्होंने सेमीकंडक्टर बिजनेस को ही आगे बढ़ाया है, वो उसको छोड़ नहीं रहे हैं। तो उसके बेटे चौंक जाते हैं, वो कहते हैं कि हमने कहा था ना डैड इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही होना है। बट चेयरमैन जिनी यांग कहते हैं कि मैंने फैसला कर लिया है और उसी प्लान को साइन करने के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा जल्दी आना पड़ा और अब तो मैं मौत से भी बच गया, मुझे किस बात का डर। फिर दिखाते हैं फ्लाइट में चेयरमैन जिनी यांग डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे तभी उनको एक पेपर दिख जाता है जिसमें डोजुन का मैसेज था। उसने लिखा था कि मुझे आपके उस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, हम ऐसा कर सकते हैं कि श्रिम्प को इतना खिला पिला के बड़ा कर दें कि वो दोनों वेल्स की छुट्टी ऐसे ही कर दें। और इस टाइम पे एक कंपनी अपने सेमीकंडक्टर्स बेच रही है, अगर आप उसको ख़रीद लें तो आप अपने श्रिम्प को और ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं और उसकी बिडिंग इतने बजे तक ख़त्म हो जाएगी, इसलिए आपको जल्द से जल्द यहाँ पे आना होगा। इसीलिए
डोजुन के ग्रैंडपा ने अपनी फ्लाइट चेंज कर ली थी। फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं चेयरमैन चिनयांग ने डोजुन को बुलाया होता है और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें सारी बातें कैसे पता थी कि कौन प्रेसिडेंट बनने वाला है, मुझे सेमीकंडक्टर बिजनेस में ऐसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उससे सारी बातें पूछ लेते हैं कि कहीं तुम फ्यूचर तो नहीं जानती कि आगे क्या होने वाला है। डोजुन पहले तो घबरा जाता है, फिर वो अपने ग्रैंडपा से कहता है कि ये सिर्फ मैंने आपसे ही पता किया क्योंकि मुझे पता था आप इस सेमीकंडक्टर बिजनेस में आगे पैसा लगाना चाहते थे बट आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, आपको सिर्फ किसी एक का सपोर्ट चाहिए था और वही सपोर्ट मैंने प्रोवाइड करा दिया। उसकी बात सुन के दादा अपने पोते से इम्प्रेस हो जाता है और फिर उससे पूछता है कि इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए। डोजुन कह देता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे तो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा फिर उनकी वैल्यू कम हो जाएगी तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ज़मीन चाहिए। और फिर वहाँ पर एक मैप रखा हुआ था, उसमें दिखा के कह देता है कि ये हिस्सा चाहिए मुझे, ये ज़मीन चाहिए। और उसके ग्रैंडपा तैयार हो जाते हैं, ठीक है ये ज़मीन दे दी। फिर डोजुन कहता है कि चलो मैं एक चीज़ और मांग लूँ, बट ग्रैंडपा कह देते हैं कि और नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी इनाम में, और कुछ नहीं मिलेगा। डोजुन कह देता है कि चलो ठीक है हम एक डील कर लेते हैं। तो डोजुन के ग्रैंडपा कहते हैं कि डील कैसे करेंगे, मेरे पास तो सब कुछ है, डील तो तभी होती है ना, मेरे पास कुछ नहीं और तुम मुझे कुछ ला के दो, मेरे पास तो सब कुछ है फिर तुम मुझे क्या दोगे। एक ऐसी चीज़ जो सुनयांग फैमिली में नहीं है, एक प्रेस्टिजियस कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर। ग्रैंडपा भी हंसने लगते हैं कि हाँ भाई एक्सेप्टेंस लेटर तो हम पैसे से भी नहीं खरीद सकते हैं। डोजुन कह देता है कि मैं आपको लॉ स्कूल में जाके दिखाऊंगा और वहां से एक्सेप्टेंस लेटर मंगवाऊंगा। फिर दिखाते हैं, फिर वो अपने ग्रैंडपा से कह देता है कि बस इसके बदले मुझे एक चीज़ और चाहिए। फिर वहाँ पे दिखाते हैं ग्रैंडपा अपने सब बच्चों को इकट्ठा करते हैं और उनसे कह देते हैं कि अब हर वीक डोजुन की फैमिली भी यहाँ आया करेगी तुम सबकी तरह। और ये बात सुन के बड़े बेटे की वाइफ तो बड़ी सरप्राइज हो जाती है, परेशान हो जाती है कि ये क्या बात हो रही है। फिर डोजुन उन सबको देख रहा होता है और मन मन में सोचता है कि इन्हीं में से कोई एक है जिसने मुझे मरवाया था। फिर दिखाते हैं डोजुन वहाँ से चला जाता है और जाते जाते ही वो अब बड़ा हो चुका है और सियोल लॉ यूनिवर्सिटी को उसने एक टॉपर की तरह ज्वाइन किया और उसके चारों तरफ मीडिया होती है, वो उससे उसका इंट्रोडक्शन लेना चाहती है। और वहाँ पे डोजुन सबको बताता है कि वो चेयरमैन चिनयांग का ग्रैंडसन है और अब ईयर 1996 हो चुका है और अब डोजुन ने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसकी ये ज़िंदगी उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और इसका वो अच्छे से यूज़ करेगा। और यहीं पे एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय द नेक्स्ट वीडियो।